अब खबर नागौर से, जहां पर शनिवार को राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी मिर्जा दौरे पर पहुंची, जहां पर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले लक्ष्मण कलरू और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अभय सिंह भैंसड़ा को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। बताया जा रहा है कि कलरू और भैंसड़ा के भाजपा में आने से राजपूत और आरक्षित वर्ग के वोट में बड़ी सेंध लगने की संभावना है। की सबसे वोट माने जाने वाली राजसमंद सीट एक बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी दिया कुमारी नामांकन के बाद आज पहली बार मेड़ता आई, चारभुजा मंदिर दर्शन किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ वो हुआ कांग्रेस के बागी रहे लक्ष्मण कलरू, जो गत विधानसभा में दूसरे स्थान पर रहे थे और भाजपा का यहाँ जमान जब्त हुई थी, और इसी प्रकार अभय सिंह भैंसड़ा जो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, दोनों ने आज भाजपा ज्वाइन की है। हमारे साथ बैठे हैं प्रदेश महामंत्री बीजेपी वीरम देव जी, हम उनसे जानेंगे ये घटनाक्रम क्या है, इसके क्या मायने हैं। हाँ वीरम जी, देखिए बड़े बड़े नेता राष्ट्रवाद के नाम पर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में उनको विश्वास है, और इसके लिए चाहे आप किरोड़ सिंह भैंसला को ले लें, चाहे हनुमान जी बेनीवाल को ले लें, चाहे अन्य किसी व्यक्ति को ले लें, बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं। और मैं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, क्योंकि मैं आज मेड़ता में हूं, तो मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो मेड़ता में लक्ष्मण कलरू जिसने 2013 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी से हारे, अब की बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ करके बीजेपी से ज़्यादा वोट लिए, ऐसे व्यक्तित्व के धनी और जिनके पीछे काफ़ी वोटों का जखीरा है, ऐसे व्यक्ति ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी में और माननीय वसुंधरा जी में विश्वास व्यक्त किया है, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और उन्होंने अपने व्यक्तित्व में ये कहा है कि मैं मोदी जी में एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व का चेहरा देख रहा हूँ और इस देश के लिए मोदी जी जरूरी है, इसलिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। दोनों के ज्वाइन करने के बाद निश्चित रूप से क्या यह भाजपा के पक्ष में लक्ष्मण कलरू का आना दलित वोटों का ध्रुवीकरण माना जाए भाजपा के पक्ष में? देखिए इंदिरा बावरी हनुमान जी के ज्वाइन करने से हमारे साथ आ गए, और लक्ष्मण कलरू जिन्होंने लगभग 50,000 के लगभग वोट लिए थे वो हमारे साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी के जिठारिया जी ने भी काफ़ी वोट लिए थे वो हमारे साथ हैं ही, पार्टी के हैं। इस प्रकार से तीनों के वोट मिलाने के बाद में बाकी कुछ बचता ही नहीं है, कांग्रेस की तो जमान जब्त हुई थी, तो फिर कांग्रेस का यहाँ बचता क्या, मेड़ता में कुछ भी नहीं बचने वाला, इतर माहौल है। और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से हम तीन चार लाख वोटों से जीतेंगे। निश्चित रूप से दोनों का आना भाजपा का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा, क्षेत्र में आज निर्णायक रूप से जो ध्रुवीकरण हुआ है उसका फायदा जो है भाजपा को मिलेगा। मैं संदीप बोहरा, एवन टीवी, नागौर, मेड़ता। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।